हेलो एवरीवन, इस वीडियो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस क्लास के बच्चे देख सकते हैं। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो भी जावा पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज अब हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक से स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे पढ़ते हैं और उसको ऊप्स क्यों बोलते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप आईएससी स्ट्रीम से हो तो क्लास 9-12 के बच्चे देख सकते हैं। अगर आप जस्ट इंटरेस्टेड हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो अहेड एंड लेट्स लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावा। सो मे बी आप लोग वरिड हो गए कि मैं यहाँ पे कप ऑफ कॉफी के साथ क्यों बैठा हूँ। इससे रिलेटेड भाई जावा लैंग्वेज समझने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल फैक्टर बताता हूँ जावा लैंग्वेज से रिलेटेड। इट वॉज सेइंग कि जो भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर थे, जो इनके प्रोग्रामर थे, जो जिन्होंने डेवलप किया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उनके दिमाग में आइडिया तब आया था जब वो कॉफी पी रहे थे बैठ के। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे बुक्स जो होते हैं कवर पेज जिसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके कवर पेज पे कॉफी बीन्स या कॉफी का मग बना होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यू ऑल कैन सी दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी आप कॉफी के बीन्स देख सकते हो। तो दिस इज फ्रॉम क्लास 11th आईएससी बुक। मे बी ओल्ड वर्जन हो, लेकिन जितने भी न्यू आते हैं उसमें जरूर आपको कॉफी से रिलेटेड कुछ मिलेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो मे बी आपको नहीं पता हो, मे बी आपको पता भी हो, देन ऑल्सो फॉर नॉलेज यू ऑल्सो हैव दिस फैक्टर। और इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपके लिए, मैंने अभी नाम नहीं बताया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो यू ऑल हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द डेवलपर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू ऑल हैव टू राइट हिज नेम इन द कमेंट बॉक्स। सो आई शुड नो कि कौन है, आपको सही आंसर पता है कि नहीं पता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जावा समझने से पहले हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं कि होता क्या है। एक सिंपल सी बात कि अगर कोई भी हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन समथिंग विच वी कैन सी, जो हम लोग बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, लाइक लैपटॉप मेरा हो गया, दैट इज अ हार्डवेयर। अगर मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ वो हार्डवेयर हो गया। तो कोई भी हार्डवेयर विदाउट अ सॉफ्टवेयर इट इज यूजलेस। आपने एक एड भी देखा होगा जो टीवी पे आता होगा, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। और दैट मीन कि अगर आपका जो भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो इट इज यूजलेस, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे मोबाइल फोन में अगर एप्लीकेशन नहीं होगा, दैट इज एंड्रॉइड, जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में काम करता है वो एंड्रॉइड होता है। तो अगर वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वी आर अनेबल टू यूज आवर फोन्स। सिमिलरली हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, जब लैपटॉप हम लोग खरीदने जाते हैं तो वहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर विंडोज डलवाते हैं या फिर एक्सपी डलवाते हैं, यूनिक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने नहीं इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप्स अपने पीसीज में तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सो सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कोड, एक इंस्ट्रक्शंस का कोड का सेट होता है। और वो किस में लिखी जाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है। तो इनडायरेक्टली यू ऑल कैन से कि अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं रहेगी तो सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे तो हार्डवेयर को डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। सो हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, और हम लोग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं स्टडी करने वाले हैं। वी विल जस्ट स्टडी अबाउट अ जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होता क्या है कि बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं, जो भी ह्यूमंस के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उनको रिड्यूस करने के लिए। So, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी मशीन्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, वो बहुत वर्सटाइल हो गई हैं। मे बी अ सिंगल मशीन कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग, जो उसके लिए सॉफ्टवेयर हमको बनाना है, वो भी तो उतना एडवांस होना चाहिए ना, वो भी तो उतना वर्सटाइल होना चाहिए। तो बहुत पहले सी आता था, C++, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी। बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, हम लोगों को नए सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, इसलिए जावा को डेवलप किया गया। इट इज नॉट केवल जावा ही एक एडवांस वर्जन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद पाइथन आया, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है इस समय हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड। अब जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं हमारे बाइनरी लैंग्वेजेस, सेकेंड में आते हैं हमारे नॉर्मल यू ऑल कैन से असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में जावा सी प्लस प्लस, ये सारे थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जावा किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यू ऑल विल से दिस इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हम लोग एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एल्गोरिदम इज नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी काम को करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछूं, व्हाट इज अ एल्गोरिदम टू मेक टी, चाय बनाने के लिए क्या एल्गोरिदम रहता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं ना। पहला आप बोल सकते हो कि सॉस पैन को आप लोग गैस स्टोव पे रखोगे, उसमें वाटर ऐड करोगे, कुछ अमाउंट में प्रोपोर्शंस में आप लोग टी लीव्स वहां पे सुगर जिंजर ये सारी चीज ऐड करोगे, मिल्क ऐड करोगे, बॉयल करोगे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, आफ्टर दैट वी विल हैव अ कप ऑफ टी। अदरवाइज अगर सपोज करो कि मैं बहुत आलसी हूं, मुझे नहीं है इतना टाइम कि मैं वहां पे खड़ा होकर स्टेप बाय स्टेप ऐड करूं, मेनी पीपल डू दैट। वो सॉस पैन लिया, उसमें जिंजर डाल दिया, सुगर डाल दिया, सब इकट्ठे डाल दिया एंड उसको गैस स्टोव पे रख दिया। तो कई सारे वे से हम लोग बना सकते हैं टी। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। वैसे ही हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को भी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं ना स्टेप बाय स्टेप कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो हो गया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट कैटेगरी की प्रोग्रामिंग आती है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स के फॉर्मेट में की जाती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में की जाती है और उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। और जो लास्ट और सबसे एडवांस एंड यू ऑल कैन से जो सबसे हेल्पफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड एज ऊप्स। ऊप्स क्या होता है हम लोगों का शॉर्टकट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। और ऑब्जेक्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, रियल वर्ल्ड से क्लोजनेस बढ़ाने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती क्यों है, जो भी हमारे रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उसी को तो सॉल्व करने के लिए। तो जस्ट थिंक कि अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे रियल वर्ल्ड से क्लोज हो, रियल वर्ल्ड में जैसे हम लोग चीजों को डील करते हैं अगर वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में डील करें, तो क्या हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगा उस प्रोग्राम को बनाना, उस प्रोग्राम की कोडिंग करना, बिकॉज वो रियल वर्ल्ड से क्लोज है। एंड ये मेरा सजेशन भी आप लोग को कि जब भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स विथ रियल वर्ल्ड, बिकॉज जब वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होगा तो हमको वो इजिली समझ में आएगा। हम लोग को उसके लिए अपने कोडिंग को चेंज नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग को जीरो और वन के लैंग्वेज में नहीं सोचना पड़ेगा, हम लोग नॉर्मली लाइफ से कनेक्ट करके उसको समझ सकते हैं। तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी डिमांड बढ़ी रियल वर्ल्ड में, जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए, एक मशीन की वर्सटाइल नेचर को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड आ गई। अब जो जावा है वो इसी कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब मैंने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी तो कुछ होते होंगे ना, तो ऑब्जेक्ट्स का बस एक सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। कोई भी एक ऐसा चीज जिसके पास ये तीनों प्रॉपर्टी है, आई कैन कॉल दैट थिंग एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ऑरेंज का, फ्रूट जो होता है ऑरेंज उसका एग्जांपल ले लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अ प्रॉपर्टी और फीचर्स जिससे हम लोग किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोज करो एक बास्केट में मैंने एप्पल रखा है, मैंगो रखा है, ग्रेप्स रखा है, ऑरेंज रखा है, क्या आप ऑरेंज नहीं पहचान पाओगे? डेफिनेटली यस, उसका स्पेरिकल शेप, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसको देख के हम लोग ऑरेंज को पहचान सकते हैं। तो वो हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और नॉट ओनली ऑरेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ पर्सन,
मेरा भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक मैं ऑलवेज चश्मा पहनता हूँ तो उससे पहचाना जा सकता है, आई हैव सम फेस कटिंग, मेरी हेयर स्टाइल, मेरी ड्रेसिंग सेंस, समथिंग इज देयर जिससे मुझे पहचाना जा सके इन अ क्राउड ऑफ पीपल। अगर कितनी भी क्राउड हो उसमें मुझे पहचानना बहुत ईजी होगा, तो वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड थिंग इज बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स द प्रोसेस जिसके लिए यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर वो अपने सराउंडिंग से कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे ऑरेंज का लिया, ऑरेंज खाओ तो खट्टा लगता है ना, मीठा लगता है, बिहेवियर हो गया ना उसका, कि वो हम लोग को सोर इन टेस्ट लग रहा है या फिर स्वीट लग रहा है, वट एवर द थिंग, वो हो गया हम लोगों का। आई विल ऑल्सो हैव सम बिहेवियर, मे बी आई विल बी ऑफ वेरी काम नेचर, अगर कोई मेरी बैक बिचिंग कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अदरवाइज आई कैन इग्नोर इट। यही तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना सारे पर्सन की, तो वो मेरा बिहेवियर हो गया। एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटी। किसी का भी आइडेंटिटी क्या होता है, उसका नेम। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा नाम ही तो है मेरी आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी चीज को, लाइक सपोज करो ये कप यहाँ पे नहीं होता, ये किचन में रखा होता, मुझे आपको एग्जाम्पल देने के लिए मुझे अपनी मॉम से कप मंगवाना होता, तो मैं कैसे बोलता कि वो जो व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स बने, वो वाला मटेरियल लेते आप। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई विल जस्ट से वो कॉफी वाला मग लेते आप। तो इसका नाम हुआ ना मग, जिससे इसको इजिली रिफर किया जा सके। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी चीज के पास है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को चेक करने का बस यही फीचर होता है। और ये हो गए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते। अगर मैं नेचर वाइज बहुत काम इंसान हूं तो मैं बचपन से वो कहीं ना कहीं मेरा नेचर दिखता होगा। अगर मेरी कुछ फेस कटिंग है तो वो थोड़े से मॉडिफिकेशन होते हैं टाइम के साथ, बट कुछ तो मैच करता है ना बचपन से हम लोगों का, तो चेंज नहीं होता। बट एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, विच इज कॉल्ड एज स्टेट, जो कि टाइम के साथ चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो मेरा वेट और हाइट। मैं जब छोटा होऊंगा तो मेरा वेट और हाइट इतना नहीं होगा जितना अभी है, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अभी भी अगर मेरा वेट है, तो सपोजिंग आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट के बाद वेट मे बी 1 kg रिड्यूस कर गया, तो दैट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, फंडामेंटल के कैटेगरी में नहीं आती है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड एज स्टेट। जैसे इस कप का एडिशनल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, टाइम के साथ इसके उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, पुराना दिखेगा, डल हो जाएगा इसका कलर, चेंज हुआ ना उसका कलर, तो वो हो गया हम लोगों का स्टेट। अब ये हो गया क्लास, सॉरी नॉट क्लास, ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या होते हैं, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लासेस। तो जैसे आप सपोज करो, आप लोग कार है ना, कार के कई सारी कंपनीज हैं, नैनो होगा, मर्सिडीज है, ऑडी है, कई सारे कार्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे फीचर्स के हैं, बहुत खराब फीचर्स के हैं, लेकिन उन सब में ही कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। कि वो फोर व्हीलर्स हैं, सबके पास इंजन होता है, मे बी वो आगे हो या फिर पीछे हो, होता तो है इंजन ना, स्टेयरिंग होती है, उसके डोर होते हैं ओपन करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आप अगर कार क्लास में चले जाओ तो उसमें आपको मिलेगा ही। अब उस कार क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, मर्सिडीज एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑडी एक ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा नैनो एक ऑब्जेक्ट हो गया, अल्टो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास कैटेगरी है, पूरा वाइड रेंज है, उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, यू ऑल कैन से। तो अगर रिलेशन समझना है तो वी विल से ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, एंड क्लास इज द ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, कि जो रिटन वर्क होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका पेपर वर्क किया जाता है ना, वही उसका ब्लूप्रिंट होता है। अब उस पेपर में मैं घुस के उस मॉल में मैं शॉपिंग नहीं कर सकता हूं जिसकी बिल्डिंग बनी है, सो वो पेपर वर्क को यूज करके मैं रियल ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं क्रिएट करता हूं उसको। जैसे अगर मैं अपने सिटी की बात करूं गोरखपुर में, तो ओरायन मॉल है, ओरायन मॉल जो है उसके लिए पेपर वर्क किया गया होगा, आई कैन नॉट कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेपर में वो हम लोगों का सपोजिंग, चलो आप कैरेक्टरिस्टिक्स है देख रहे हैं, देख के समझ लिया उसका जो मॉडल है, लेकिन क्या उसका बिहेवियर हो गया, क्या उसमें मैं एंटर कर सकता हूं, क्या किसी चीज के लिए यूज हो रहा है अभी, नो, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उस मॉडल का यूज करके
एक्चुअली एक बिल्डिंग खड़ी हुई, जब मॉल खड़ा हुआ तो वो तो ऑब्जेक्ट बना ना, इट इज यूजफुल, आई कैन गो एंड एंजॉय देयर, आई कैन गो विथ माई फ्रेंड्स, हैंग आउट में कर सकता हूँ वहां पे, तो बिहेवियर भी है उसका, नेम है ओरायन, दैट इज आइडेंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है उसका, मॉडल कलर कुछ है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट हम लोगों का। तो आई होप क्लास और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा, ये डिटेलिंग नहीं थी, ये बस हम लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट टर्म आया तो मुझे बताना पड़ा। जब आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में कैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोग्रामिंग में इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट कोई चीज काम नहीं करता है, तो वो सब हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आई होप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आपका क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जावा हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, प्रोग्रामिंग में कैसे करता है वे हम लोग जब पढ़ेंगे आगे समझेंगे। अब जो ऊप्स हो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके टोटल 5 फीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, मॉड्युलैरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म। ये 5 हमारे पूरे प्रिंसिपल होते हैं। आई विल बी स्टार्टिंग विद डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं इसके लिए करता क्या हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं किसी भी चीज का और उससे मैं रिलेट करके आपको बताता हूं। जैसे एक सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट ले लिया चॉकलेट, चॉकलेट ऑब्जेक्ट है कि नहीं चेक करना है तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी मॉल में जा रहे हो, किसी भी शॉपिंग करने जा रहे हो, ग्रोसरी स्टोर में ही आप गए, आपको चॉकलेट खरीदना है वहां से, तो चॉकलेट तो बहुत सारी कंपनीज की आती है, बट कैडबरी का डेयरी मिल्क एंड 5 स्टार You all can segregate, उसके कुछ फीचर्स होते हैं ना जिससे उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो क्या हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड थिंग इज बिहेवियर, चॉकलेट खाते हो कुछ टेस्ट आता है, कुछ एनर्जी मिलती है, बिहेवियर है, एंड इट हैज अ नेम, सारे चॉकलेट्स के कुछ नाम होते हैं, समथिंग इज रोस्टेड, रोस्ट आलमंड कुछ हमारा कुछ होता है, तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे नाम होते हैं चॉकलेट्स, तो वैसे हम लोग उसका आइडेंटिटी भी हो गया, तो ये 3 फीचर्स हो गए हमारे चॉकलेट्स के पास, तो वो ऑब्जेक्ट। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द सोइंग ऑफ एसेंशियल डिटेल्स। एसेंशियल डिटेल्स का मतलब अगर मैं चॉकलेट खरीद रहा हूं तो क्या मुझे उसके मटेरियल से मतलब है कि वो चॉकलेट कहाँ के चॉकलेट से बना हुआ है, वो शिमला के चॉकलेट से बना है कि श्रीनगर के चॉकलेट से बना है, आर नथिंग टू डू विथ इट, मुझे केवल खाने से मतलब है, तो मुझे उसके केवल रैपर से मतलब है कि किस कंपनी का चॉकलेट है, अमाउंट क्या है, मैं 40 रुपए वाला खरीदूंगा कि 150 वाला खरीदूंगा, उससे मतलब है। तो जब कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट, जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, जिनकी जरूरत होती है हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको शो करने को, उसके उसको दिखाने के प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, शोइंग नेसेसरी डिटेल्स। जैसे अभी हम लोगों ने कार की बात की थी, कार भी तो ऑब्जेक्ट होता है ना हम लोगों का। अब कार में जो स्टेयरिंग होता है उसका, जो ब्रेक होता है, जो म्यूजिक सिस्टम होता है, ये सब चीज दिखाई देती है हमारे सामने, तो उसको तो कार ड्राइव करते टाइम इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है हम लोग को, तो उसको दिखाने के प्रोसेस को हम लोग बोले डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, डेटा इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग लो लेवल डिटेल्स। जैसे चॉकलेट में मैंने बताया वो कहां की चॉकलेट से बना है, श्रीनगर की, शिमला की, कहां के चॉकलेट से बना है, उससे मुझे क्या मतलब है, वो तो हाइड हो गया ना हम लोगों का। किस फैक्ट्री में बना हुआ है चॉकलेट, वो दिल्ली के फैक्ट्री में बना है कि महाराष्ट्र की, मुंबई की फैक्ट्री में बना है, उससे मुझे क्या मतलब है, तो वो हाइड कर लिया गया, उस डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं किया गया यूजर को, तो उस हाइड करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कार में, तो कार में जो वायरिंग हुई है, कौन सी वायर कहां से पास हुई है, क्या मुझे दिखाई देता है जब मैं कार ड्राइव करता हूं, तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वो अननेसेसरी डिटेल है। तो अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना डेटा इनकैप्सुलेशन, और नेसेसरी डिटेल को शो करना इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जो डेफिनेशन होता है इनकैप्सुलेशन का, दैट सेज द रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, हाइडिंग लो लेवल डिटेल। जैसे अगर आप बात करो चॉकलेट्स की, तो चॉकलेट में क्यूब्स होते हैं ना, वो सिंगल सिंगल यूनिट होता है, रैपिंग ऑफ ऑफ अ डेटा मतलब उस सबको इकट्ठा कर दिया एक सिंगल यूनिट में हम लोगों ने, तो वो होता है, और जब हमने ऐसा किया तो क्या हुआ, लो लेवल डिटेल्स हाइड हो गए हमारे, तो वो हो गया डेटा इनकैप्सुलेशन। तो व्हाट यू ऑल कैन से कि डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों अलग टर्म नहीं है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इनडायरेक्टली जब आप अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करोगे तो नेसेसरी डिटेल्स शो हो जाएंगे,
और जब नेसेसरी डिटेल को ही क्या शो करोगे तो अननेसेसरी को हाइड करना तो कंपलसरी है। तो ये दो टर्म्स होते हैं इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, और ये आपको सारे ही ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में चैप्टर का नाम, बुक का नाम लिखा हुआ है, राइटर का नाम लिखा है, पब्लिशर का नाम लिखा है और क्लास का नाम लिखा है। क्या यही बस डिटेल मुझे जरूरत है ना बुक बाई करते समय? इसके पेपर किस बैम्बू से बने हैं, किस पेड़ से बने हैं, क्या मुझे इससे मतलब है? नो। तो क्या वो डिटेल प्रोवाइडेड है? नहीं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी है, सारे नेसेसरी डिटेल दिखाए जा रहे हैं, और इनकैप्सुलेशन भी है, सारे अननेसेसरी डिटेल्स हाइड भी किए जा रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप लोगों को पता होगा कि ये हम लोगों का बायो का टर्म है, जहां से फादर से या फिर पेरेंट से कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स हमारे चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है। एक क्लास से दूसरे क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जहां से ये प्रॉपर्टीज हमारी ट्रांसफर होती हैं, लाइक सपोज करो मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पेरेंट्स से आई होंगी, तो दे विल बी सब क्लास, दे विल बी सुपर क्लास, पेरेंट क्लास होंगे, उनसे मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है। और जहां पे प्रॉपर्टी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास बोलते हैं हम लोग, या फिर डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तीन तीन नेम है, सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट जो सुपर क्लास होता है, पेरेंट क्लास होता है एंड बेस क्लास होता है। सो द प्रॉपर्टीज एक क्लास से दूसरे क्लास में, एक प्रोग्राम से जब दूसरे प्रोग्राम में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्लासेस के थ्रू, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ये कैसे होता है प्रोग्रामिंग में, दैट इज ऑल्सो वी विल स्टडी। तो मैं अभी आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सारे टर्म्स क्या होते हैं। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, डू नॉट गेट वरी। प्रोग्रामिंग में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिटन फॉर्मेट में दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्या करना। नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी लाइक नाम से क्लियर हो रहा है, मॉड्यूल्स। जब किसी भी प्रोग्राम को हम लोग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फ्रेगमेंट्स में स्टडी करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। जैसे सपोज करो आप लोग कि अगर मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, इस बुक में दो सेगमेंट में है ना हमारा, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में जो जावा है वो भी कुछ स्टार्टिंग है, उसके बाद कुछ आगे के प्रोसेसेस हैं। तो उसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग ऑल टुगेदर इकट्ठे थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग तो उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट्स को ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। और जो छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, दैट इज स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए चॉकलेट से रिलेट करते हैं, चॉकलेट का पूरा मैंने रैपर से निकाला, अब इतना बड़ा तो मेरा माउथ है नहीं, आई एम नॉट जिंक की मैं व्हाट आई कैन से, आई एम नॉट दैट मच बिग या मॉन्स्टर तो हूं नहीं मैं कि मैं उतना बड़ा चॉकलेट एक बार में खा लूंगा। तो व्हाट वी डू, मैं उसको क्यूब्स बनाता हूँ ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को तोड़ता हूँ, तो जो छोटा फ्रेगमेंट हो गया वो हो गया मॉड्यूल, और उसको जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ा वो हो गया मॉड्यूलैरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, लास्ट थिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन होता है यूजिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ मल्टीपल वेज विद अ सेम नेम। जब मैं एक सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से यूज करता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स नेम, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम लोग प्रोग्रामिंग में अलग वे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बताता हूं। क्लास में डस्टर होता है, डस्टर जनरली इरेज करने के लिए काम आता है, नाम तो डस्टर ही है उसका। कभी कभी कोई बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो उसको चला के मारा भी जा सकता है, डू नॉट गो फॉर अ वॉयलेंस, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन कभी इरिटेशन हुआ तो वी कैन फॉर फन वी कैन प्ले, और मैं उसको मार सकता हूं, तो वो एज अ वेपन मैंने यूज कर लिया। अनदर थिंग, अगर किसी डेस्क पे बैठे हुए यहाँ पे कोई नेल है या फिर कोई पिन है, तो एज अ हैमर ऑल्सो वी कैन यूज इट। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना डस्टर, लेकिन उसको हम लोग मल्टीपल वेज से यूज कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से कि वो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। चॉकलेट को भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आप लोग खा लो,
या फिर आपको सपोज करो चॉकलेट शेक बनाना है और घर पे चॉकलेट पाउडर नहीं है, तो यू ऑल कैन यूज चॉकलेट। अगर आप केक की डेकोरेटिंग कर रहे हो, गार्निशिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से उसी चॉकलेट को आप यूज कर रहे हो। तो ये हो गया हम लोगों का पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पांचों फीचर्स को बोलते हैं ऊप्स प्रिंसिपल, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मॉड्यूलैरिटी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया ऊप्स एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों का जो होता है जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है और इसके की फीचर्स क्या होते हैं। दैट इज वॉट वी विल स्टडी। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डू फॉलो माई वीडियो। एंड इफ यू आर गेटिंग एनी क्वेरी, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू ऑल आर गेटिंग, देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इफ यू ऑल आर कनेक्टेड एनी वेयर एल्स, इफ यू ऑल नो मी पर्सनली ऑल्सो, देन यू ऑल कैन आस्क सर आप इस पे वीडियो बना दो, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट दैट द टास्क विच आई हैव गिवन यू ऑल, कि हम लोग को ये पता करना है कि जावा के डेवलपर का नाम क्या था। एंड कॉमेंट मी हिज नेम इन द कॉमेंट बॉक्स, या फिर अगर आप डायरेक्टली बता सकते हो इट इज वेल एंड गुड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि मेरे स्टूडेंट्स कितने क्लेवर हैं। सो बाय बाय एवरी वन।